हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए, हमने जो अपना यूनिट थर्ड स्टार्ट किया हुआ है, टेक क्या हुआ इन एजुकेशन मैनेजमेंट, वो हमने कल किया था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका इंट्रोडक्शन किया था। और जो टी क्यू एम है, इसका जो कंसेप्ट है ये दिया था अमेरिकन डब्ल्यू एडवर्ड्स डाइनिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। और इन्होंने बताया था टी क्यू एम में जो है कि टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है, किसी भी एकेडमिक लाइफ हो गई, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके अंदर जो टीचिंग स्टाफ है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, टीचर, स्टूडेंट, मटेरियल स्टाफ, और जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो किस तरह वर्क करता है इसके बारे में। और मटेरियल रिसोर्स में बताना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे लाइब्रेरी होगी हमारी, बुक्स होगी, टीचिंग एड्स होगे, हॉस्टल्स होगे, अच्छा मॉर्निंग असेंबली हॉल हो गया, या फिर टॉयलेट्स, वाशरूम, स्कूल हॉस्टल हो गया, अच्छा जो ये सब चीज़ें होती हैं, क्लासरूम्स हो गए हमारे, कैंटीन होगी, इनके बारे में जो बोल स्टडी करता है, बोलते हैं मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज के बारे में हम वन बाई वन पढ़ना था बट नहीं कर सके। देन हम अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ टाइम एक होता है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए, समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। कहते हैं हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे आप इंसान ने कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करने, किस तरह उनको अपने मैनेज में लाना है, कैसे उनको इफेक्टिव बनाना है। बोलता है हर एक बंदे का अपना टाइम शेड्यूल होता है। कुछ जो बंदे होते हैं अपना टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो टाइम को वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में, ऐसे जैसे जिस चीज़ का पर्पस नहीं है उसे करने में। देखिए आजकल के जो बोलता है, अगर हमने कोई काम करना है, अगर हमने अपने टाइम को पूरा फिट प्रॉपर वे में मैनेज किया हुआ है उसके, तो हमारा टाइम जो वेस्ट नहीं हो सकता है। कहते हैं टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। बोलता है जो टाइम और टाइट है वो वेट फॉर नन करना है, किसी का इंतजार नहीं करता समय और सागर की लहरें। बोलता है जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम बहुत प्रीशियस है। बोलता है समय की कीमत एक ऐसे स्टूडेंट से पूछो, एक साल की कीमत, जो जब उसका फाइनल रिजल्ट हुआ हो तो वो एग्ज़ाम में आप ये क्वालिफाई ना हुआ हो, तो समय उससे पूछो। बोलते हैं अगर एक एक 5 मिनट की या 1 मिनट की कीमत उस बच्चे से पूछो, उस स्टूडेंट से पूछो जब एग्ज़ाम में जा रहा हो और उसको गाड़ी ना मिली हो और एग्ज़ाम हॉल में हो, 5 मिनट या 10 मिनट लेट पहुंचा हो और उसे एग्ज़ाम में बैठने ना दें, ऐसे पूछो पाँच मिनट की कीमत ऐसे बच्चे से पूछो जो एग्ज़ाम में थोड़ा लेट पहुंचा हो। फिर किसी इंसान से पूछो एक मिनट की कीमत है जब वो कहीं जा रहा हो, उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, मतलब कि फ़्लाइट छूट गई हो, वो लेट पहुंचा हो, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं एक साल की 9 मंथ्स की इंपॉर्टेंस एक मदर से पूछो जब उसका बेबी है ना, चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये थी आपका कुछ क्या था, टाइम मैनेजमेंट ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, अपना इफेक्टिव टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम एक डायरी प्रिपेयर करनी चाहिए, वहाँ लिखना चाहिए हमें ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। अब देखिए ये था आपका टाइम मैनेजमेंट का कुछ। तो अब टिप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ टिप्स हैं मैनेजमेंट टाइम के। बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हर एक एक्टिविटी जो काम करते हैं हमें उसको प्रॉपर फ्रेम करना चाहिए, हमें एक डायरी प्रिपेयर करनी चाहिए, वहाँ पर अपनी हर एक एक्टिविटी लिखी होनी चाहिए। अगर हमें वहाँ हर एक डायरी लिखी होगी तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम इफेक्टिव हो जाएगा, वर्क काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें रेगुलर पंक्चुअल होना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर, हमें जो भी काम करते हैं अपने हर एक असाइनमेंट जो काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमें सीरियसनेस होना चाहिए, अच्छा। फिर जो हमारा जो टाइम है उसे हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना अपने फ्रेंड सर्कल में साथ। तो और इसे बोलता है कि हमेशा जो है इंसान अगर अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करेगा तो इंसान की जो लाइफ है वो इंजॉयबल बन जाएगी और इफेक्टिव बनेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो वक्त एक बार बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है, ठीक है। देन देख लीजिए कंक्लूजन इसका, ये यहाँ तक था मैनेजमेंट ऑफ टाइम का। ये मैं आपको बुक का मटेरियल दे रही हूँ, इसके ऊपर मेरे पास हैंड रिटन मटेरियल भी है, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी स्पेस भी फुल हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ तक रोकती हूँ। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम शेड्यूल फॉर द टीचर, वो मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।